जर्मनी में एक बार राजनीतिक संकट गहरा गया है। नई सरकार के गठन के लिए गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिस कारण जर्मनी में फिर चुनाव हो सकते हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने की बजाय वो चाहेंगी कि देश में दोबारा चुनाव कराए जाएं। मर्केल ने कहा कि हालांकि बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि सितंबर में जर्मनी में चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद मर्केल को असमान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मर्केल ने जर्मन टेलीविजन को बताया, जितना हमने सोचा था नई सरकार बनाने का रास्ता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। मर्केल ने गठबंधन सरकार बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा, मैं नहीं कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि फिर से चुनाव कराना ही बेहतर होगा। एक और इंटरव्यू में मर्केल ने कहा कि वो ऐसी सरकार चाहती हैं जिसमें उन्हें फैसले लेने के लिए औरों की अनुमति की जरूरत ना पड़े। अब इस वक्त जर्मनी की जो राजनीतिक स्थिति है उसे देखकर यही लगता है कि जर्मनी में जल्द ही एक बार फिर चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।